क्या सुशांत सिंह राजपूत के मानसिक हालात के जिम्मेदार फिल्म मेकर करण जौहर और आदित्य चोपड़ा है? क्या मशहूर जर्नलिस्ट और फिल्म क्रिटिक राजीव मसंत और सुशांत की एक्स मैनेजर रोहिणी अय्यर ने सुशांत को मेंटली परेशान किया था? करण और आदित्य पर नेपोटिज्म और सुशांत सिंह राजपूत को मेंटली हरास करने का संगीन आरोप लग चुका है। वेल, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद इस केस में तमाम बड़े फिल्म मेकर्स के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर जैसे नाम शामिल है। अब सुशांत के फैमिली फ्रेंड स्मिता पारेख ने दावे के साथ रिपब्लिक टीवी के शो डिबेट में बताया है कि रिया चक्रवर्ती और उनकी फोन पर बात हुई थी। स्मिता ने बताया कि रिया के मुताबिक सुशांत मानसिक रूप से बेहद परेशान थे, क्योंकि राजीव मसंद और रोहिणी अय्यर उनके नाम पर ब्लाइंड आइटम्स लिखते थे। स्मिता पारेख ने बताया कि रिया ने उन्हें फोन कॉल पर कहा कि वो करण जौहर और आदित्य चोपड़ा को एक्सपोज करने वाली थी, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उन पर सुशांत के पिता ने FIR दर्ज कर दिया। स्मिता पारेख ने रिपब्लिक टीवी को बताया कि रिया ने उन्हें कॉल कर बताया कि राजीव मसंद और रोहिणी अय्यर बस एक प्यादे है, लेकिन असली मास्टरमाइंड करण जौहर और आदित्य चोपड़ा है, जिन्होंने सुशांत को इतना परेशान किया कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए। बातचीत में स्मिता ने ये भी दर्शकों को याद दिलाया कि कैसे मुंबई की बांद्रा पुलिस करण जौहर को समन भेजने वाली थी, लेकिन केस ने जिस तरह से यू टर्न लिया उस वजह से करण को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। यानी स्मिता की माने तो रिया ने उन्हें बताया है कि वो करण जौहर और आदित्य चोपड़ा को एक्सपोज करने वाली थी, लेकिन वो कर नहीं पाई। इसके अलावा रिया ने निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि मी टू मोमेंट के वक्त सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर आरोप लगे थे, इस वजह से वो काफी परेशान हो गए थे। ये आरोप फिल्म दिल बेचारा में उनकी को स्टार संजना सांघी का नाम लेकर लगाए गए थे। इन आरोपों पर संजना ने करीब 1.5 महीने बाद सफाई दी। इसके अलावा रिया ने सुशांत की एक्स मैनेजर रोहिणी अय्यर की भी भूमिका पर भी सवाल उठाए। रिया ने कहा कि रोहिणी अय्यर ने सुशांत से मेरी मुलाकात करवाई थी, लेकिन जब हम दोनों रिलेशन में आए तो इस बात से खुश नहीं थी। वो सुशांत को अजीब अजीब मैसेज किया करती थी। रिया ने कहा कि संजना सांघी और रोहिणी अय्यर की वजह से सुशांत बहुत परेशान हुए थे। अपने इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने संजना सांघी और रोहिणी अय्यर पर बड़े आरोप लगाए हैं, लेकिन अब रिया की माने तो उन्होंने फोन कॉल पर स्मिता पारेख से कहा है कि वो करण जौहर और आदित्य चोपड़ा को एक्सपोज करने वाली थी। ऐसी क्या बात रिया दुनिया को बताना चाहती है? करण जौहर और आदित्य चोपड़ा का इस केस में क्या भूमिका है? CBI की टीम ने रिया को समन जारी किया, जिसके बाद वो आज सुबह DRDO गेस्ट हाउस पहुंची, और यहां आज रिया CBI के सवालों का सामना कर रही है। क्या खुलासे करेंगी रिया? इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन करण जौहर और आदित्य चोपड़ा ये दो बड़े नाम अब सामने आ रहे हैं। क्या सुशांत को इन दोनों ने परेशान किया था? इस पर आपकी राय क्या है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।